तो साहबजादे ने गाड़ी जैसे ही चलाना शुरू की, फुल स्पीड में बढ़ते जा रहे हैं। बीवी रोक रही है, अरे महाराज चलाना नहीं आता आपको, अभी गाड़ी मिली है, धीरे से चलिए, आराम से चलिए। वो नहीं माने क्योंकि खुद के पैसों से तो खरीदी नहीं थी, मान कैसे जाए। बड़ी स्पीड में आगे मंदिर था, मंदिर में प्रसाद बट रहा था। महाराज एक विकलांग भिखारी प्रसाद लेने के लिए बैसाखियों को लेकर बैसाखी लगी हुई और जा रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है। अब वो पत्नी चिल्ला रही, महाराज आगे भिखारी है, देखना महाराज आगे कोई आ रहा है, आप चोट लग जाएगी, आप आराम से चलाइए। वो नहीं माने, जब तक ब्रेक पे पैर रखा महाराज, गाड़ी बांध तक पहुंची है तब तक घसीट घसीट के बिल्कुल थोड़ी सी जगह बची भिखारी के चोट लगने से बची। अब भिखारी के चोट लगने से बची वो तो छोड़ो, साहब बाहर उतरे, खिड़की लगाई तेज और भिखारी से बोले, क्यों रे लंगड़ा है वो तो है, तू अंधा भी है क्या, दिखाई नहीं देता सामने से गाड़ी आ रही है। पत्नी ने भिखारी के हाथ जोड़े, भैया आप जाइए, और जेब से 100 रुपए निकाले और भिखारी को पकड़ा दिए। अब साहबजादे और आगे बगुला बोले, ये देखो भिखारी को 100 रुपए और दे रही है। बोले पैसे क्यों दिए, तुम जैसे लोगों ने भिखारियों की ज्यादा आदत खराब कर रखी है। पत्नी ने जवाब दिया, महाराज ये तो पेट पालने के लिए भीख मांग रहे हैं और इसके हाथ पैर नहीं है, ये इसलिए भीख मांग रहा, ये रोड के भिखारी और तुम मंडप के नीचे बैठने वाले भिखारी हो, क्योंकि ये रोड के रोड पे खड़े होके भीख मांगते हो, तुम जैसे लोग मंडप के नीचे बैठ के भीख मांगते हो तो भिखारी तो बराबर ही हो। ये 150 रुपए की भीख मांगते हो तुम सीधे 1 लाख 2 लाख 10 लाख की भीख मांगते हो तो भिखारी और भिखारी तो बराबर ही होते हैं। कहते हैं महाराज कि इंसान को कभी भी बेटियां घर में जब पैदा होती है ना तभी पता चलता है कि बेटियों को पालने की ताकत ताकत कहां से आती है। उस पिता से आप पूछो जाके जो 20 साल के कलेजे के टुकड़े को लेकर के वो किसी और के हाथ में थमा देता है। आप किसी से एक पेन मांगना, वो पेन देने में हिचकिचाएगा, और यहाँ तक बाप अपनी बेटी को दूसरे के हाथों पकड़ा देता है। कहीं भी जाओ, कैसा भी भोजन कहीं भी बना हो, आप बुराई कर सकते हो, लेकिन किसी बाप ने अपनी बेटी की शादी की हो और शादी में आप भोजन करने के लिए गए, कैसा भी भोजन बना हो कभी जिंदगी में बुराई मत करना, क्योंकि वो बाप अपनी बेटी की शादी में अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगा देता है। ओस की बूंद सी होती है बेटियां, दामन दिल धाम हो तो रोती है बेटियां, एक घर की आन होते हैं बेटे तो दो दो घरों की आन होती है। नकली धनवानों की पहचान है खोखा और पेटी, नकली धनवानों की पहचान है खोखा और पेटी, और असली धनवानों की पहचान है जिसके घर में सुखी है बहू और बेटी।